गाइस कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज बहुत टाइम बाद मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा गजब की एक वेब सीरीज़। और सबसे अच्छी बात यह है एक एनिमेटेड सीरीज़ है। आज जो लोग एनिमेशन की शुरुआत करना चाह रहे हैं, आप इग्नर्स हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट ये सीरीज़ होने वाली है। जिन लोगों को एनिमेटेड पहले से पसंद है उनको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस सीरीज़। और इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट है, इसकी जो डबिंग है हिंदी में आपको मिल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की इसमें डबिंग की गई है। कोई ऐसी वैसी डबिंग नहीं, बहुत अच्छी डबिंग की हुई है। सो गाइस इसके बारे में मैं शुरुआत से बताना चाहूँगा, इस सीरीज़ के बारे में मुझे कैसे पता चला, इस सीरीज़ को देखने का प्लान मेरा कैसे बना। तो मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा इस सीरीज़ के एक एपिसोड की क्लिप वगैरह देख रहा था काफ़ी टाइम से। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे एक तरह से जिज्ञासा से उठी, एक क्यूरियोसिटी हुई कि इस शो को मुझे देखना है, इसके बारे में पता लगाया जाए कि कौन सा शो है, क्या नाम है, क्या चीज़ है। यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया है, गूगल क्रोम पे सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये कोई सीरीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक एपिसोड है पूरी सीरीज़ का। उसका नाम था जिबारो। इसको आपने भी बहुत सी बार यूट्यूब शॉर्ट्स में या रील्स में देखा होगा, इसके कुछ क्लिप्स को जो सोने से जड़ी हुई वो लड़की डांस कर रहे होते हैं पानी के बीच में, और कुछ सैनिक वगैरह अटैक कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं आपस वगैरह में, कुछ इस तरह की इसकी क्लिप है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर लिया इस चीज़ ने कि ये है क्या चीज़, तो इसमें हो क्या रहा है। कुछ ज़्यादा छोटी सी क्लिप होती है, उसमें ज़्यादा कुछ समझ में तो आता नहीं। तो उस सीरीज़ को देखने के लिए मैंने सोचा कि पता लगाया जाए और अच्छे से कि कौन सा एपिसोड है, क्या है। फिर मुझे फाइनली पता चल गया कि इस सीरीज़ का नाम जो है लव डेथ प्लस रोबोट है, और ये इसका थर्ड सीज़न का 9th एपिसोड है। और इसके मैंने फर्स्ट सीज़न के बारे में पता लगाया, फर्स्ट सीज़न में इसके 18 एपिसोड है, सेकंड सीज़न में 8 और 9 के करीब है, और थर्ड सीज़न में इसके 9 एपिसोड है, जिसका जो लास्ट एपिसोड है जिबारो, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि इस पूरी सीरीज़ देख लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था इस एपिसोड को देखने के लिए मुझे पीछे के सारे एपिसोड्स या पीछे के सारे सीजन्स देख लेने होंगे, तभी मुझे ये चीज़ समझ में आएगी। लेकिन जैसे मैंने पहला एपिसोड डाउनलोड करा और देखा तो मुझे कुछ और नज़र आया उसमें, कुछ रोबोट वगैरह कार्टून टाइप का एनिमेशन था, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं डाउनलोड कर लिया, मैंने डिलीट कर दिया। फिर दोबारा डाउनलोड किया और ज़्यादा डिटेल में जाने के बाद पता चला कि ये जो सीरीज़ है इसके जितने भी एपिसोड्स हैं वो सारे डिफरेंट है। इसमें हर एक एपिसोड में डिफरेंट स्टोरी और डिफरेंट कंटेंट हमें देखने को मिलेगा। अभी भी मन में वही जिज्ञासा थी कि चलो जब ये 9th एपिसोड है थर्ड सीज़न का, इसको वहीं पे देखते हैं, पहले इसको नहीं देखते। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि हालांकि मैं देख सकता था और देखना चाह रहा था तो यही एपिसोड कि इस एपिसोड की कहानी क्या है, लेकिन जब पता चला ये सीरीज़ ऐसी है और डिफरेंट सीरीज़ है, फिर अंदर से आवाज़ है कि पूरी देख लेनी चाहिए, क्या पता कुछ और अच्छा नज़र आ जाए, कुछ अच्छा मिल जाए मुझे। और तो फिर मैंने सफ़र शुरू करा और फर्स्ट एपिसोड से लेके जो जिबारो तक का थर्ड सीज़न के 9th एपिसोड तक का जो सफ़र था वो गाइस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहा। बीच में मुझे जितना मुझे जिबारो पसंद है उससे ज़्यादा पसंद एपिसोड्स आए बहुत सारे, उनके नाम तो मुझे ठीक से याद ही नहीं। तो बीच के जो एपिसोड्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा यूनिक कंटेंट मिले मुझे देखने को, मिला बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग व सरप्राइजिंग कंटेंट था। तो पहला एपिसोड रोबोट वगैरह से रिलेटेड था, इसमें आपको मैं बता देता हूँ किस टाइप का कंटेंट देखने को मिलेगा। सारे एपिसोड्स बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं, इसमें आपको स्पेस की स्टोरीज देखने को मिलेगी, स्पेस, रोबोट्स, ह्यूमंस, और मतलब डिफरेंट टाइप के आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। बहुत सारी जो एनिमेटेड मूवीज़ होती है ना, शॉर्ट मूवीज, उसको जोड़कर एक सीरीज़ बना दी गई, और कोई भी ऐसी वैसी नहीं है, हर एक जो है टॉप लेवल की है। आप जब इस पूरी सीरीज़ की जो है लव डेथ प्लस रोबोट का IMDb रेटिंग चेक करने जाओगे तो 8+ रेटिंग आएगी इसकी, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उनकी पसंद का कुछ ना कुछ एक आधा एपिसोड उसमें निकल कर रहा है, जिसको मतलब वो लोग उसके फ़ैन हो रहे हैं। जो मुझे बहुत सारे एपिसोड्स पसंद आए, अलग अलग टाइप के, कुछ स्पेस टाइप के, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इसमें एनिमेशन किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, और कुछ वैसे इतने अच्छे एनिमेशन किया गया आपको पता ही नहीं चलेगा ये असली ह्यूमन से या फिर ये जो है एनिमेटेड है। इतनी अच्छी तरह से इसमें एनिमेशन यूज़ किया गया है, बहुत से टाइम में कन्फ्यूज़ हो जाता था कि शायद ये तो पक्का ह्यूमन ही होंगे। आसपास की सीनरी देख रहा था, कार्स वगैरह तो सब एनिमेटेड था, तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था कि इतने अच्छे जो है ना एनिमेशन इसमें देखने को मिले। और हर एपिसोड की खासियत ये थी कि वो कुछ ना कुछ सिखाएंगे, वो आपको कुछ ना कुछ देकर जरूर जाएगा एपिसोड, उसमें कुछ सीखने लायक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी हर एपिसोड। आई होप आपको ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी।
सो वैसे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ, इस सीरीज़ के जितने भी एपिसोड है ज़्यादातर जो है एडल्ट हैं और 18 प्लस कंटेंट है। तो आप पहले अगर अपनी फैमिली को दिखाना चाह रहे हैं या अपने मतलब कम एज वाले लोगों को ये सीरीज़ दिखाना चाह रहे हैं तो आप एक बार पहले सारे एपिसोड्स खुद देख लें, उसके बाद जो आपको लगे कि ये दूसरों को दिखाने लायक है आप उसमें से फ़िल्टर कर लेना और उनको वो दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें हर टाइप का आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, 18 प्लस वाला कंटेंट भी और नॉर्मल कंटेंट भी। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा फ़िल्टर करना होगा, आपको खुद से पहले देख लेना होंगे, सिलेक्ट कर लेने होंगे एपिसोड्स, क्योंकि एपिसोड सारे अच्छे हैं, बस वो ये कि 18 प्लस कंटेंट थोड़ा सा वैसा है कि हर किसी के साथ नहीं देख सकते, ठीक है, कभी कभी आ जाता है। बाकी ओवरऑल ये सीरीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने एक गलती कर दी, सिर्फ एक ही गलती कि मैंने जो सारे एपिसोड बैक टू बैक देखे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, लेकिन हमको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना, हमें एक दिन में एक या दो एपिसोड देखने होते हैं जिससे इस सीरीज़ में जो अच्छी चीज़ें हमें बताई गई वो हम ऑब्जर्व कर सकें अच्छे से, उनको सीख सकें। अगर हम एक के बाद एक देखते रहेंगे तो पीछे की चीज़ हम जल्दी भूल जाएंगे, नया एपिसोड देखेंगे फिर पीछे का भूल जाएंगे फिर नया देखेंगे, ऐसा नहीं करना, आपको धीरे धीरे देखना, एक दिन में सिर्फ एक या दो एपिसोड देखिए और आराम से। वैसे आप एक दिन में भी इस पूरी सीरीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, तीनों के तीनों सीज़न। इसके जो एपिसोड्स की लेंथ है वो है कुछ 7 मिनट के या कुछ 10 मिनट के और ज़्यादातर 15 टू 20 मिनट्स के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लगभग आपको 5-6 घंटे में आप पूरे के पूरे तीनों सीज़न ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा इतना अच्छा। जो आप देखोगे प्रेजेंट में आपको सिर्फ उसका थोड़ा बहुत याद होगा और पीछे जो आप देख चुके होंगे उसका सब कुछ भूल जाओ, तो इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला, एक्साइटमेंट में आप देख लोगे सिर्फ। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप सिर्फ एक दिन में एक या दो एपिसोड देखें, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम तो आप ज़्यादा भी देख सकते हैं, लेकिन आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी है और आपको सीखने की कोशिश करनी है वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं एपिसोड, वो आपको क्या सिखाना चाह रहा है। ओके, आई होप आपको ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, मतलब आपको ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, लव डेथ प्लस रिवॉर्ड। और यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो आप जो है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, आपका फेवरेट कौन सा एपिसोड रहा। ओके, इसके बारे में हम जरूर डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यदि आप इसी तरह का यूनिक और अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हैं मूवीज़ और सीरीज़ से रिलेटेड तो आप मुझको फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी।